नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं मिष्ठान फूड लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सुगस इस स्टॉक में एक बार फिर से दोस्तों आज काफ़ी बढ़िया रैली नज़र आई है। फिलहाल दोस्तों सर्किट काफ़ी अच्छा लगने वाला है क्योंकि दोस्तों लगातार इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। लास्ट 5 सेशन में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। तो अभी इस स्टॉक का अगला टारगेट किस लेवल जा सकता है और अभी के टाइम इस स्टॉक पर हमें कितना पेशेंस के साथ होल्ड बनाना चाहिए और कितना बाय करना चाहिए, क्योंकि लगातार इस स्टॉक का जो परफॉर्मेंस जो लास्ट वीक 1 वीक में निकल के आया है वो काफ़ी अच्छा निकल के आया है, जो अभी देखने को मिलेगा 16.21% का। साथ ही साथ लास्ट 1 महीने की अगर हम चर्चा करें तो लास्ट 1 महीने में इसका परफॉर्मेंस था वो काफ़ी कमज़ोर देखने को नजर आया, क्योंकि काफ़ी लगातार गिरावट भी देखने को मिली जो 15.84% तक देखने को नजर आई थी। पर कहीं ना कहीं दोस्तों इस स्टॉक ने वापस अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और वापस इंक्रीज हुआ। पर लास्ट से 6 महीने में अगर बात की जाए तो लास्ट 6 महीने में उतना परफॉर्मेंस पॉजिटिव नहीं रहा जितना लास्ट 5 सेशन में अगर देखने को मिला, 1 वीक में देखने को मिला, क्योंकि लगातार लास्ट टाइम जो देखने को मिला कि 24.43 तक स्टॉक की पिछले टाइम जो 6 महीने के अंदर जो जंप थी वो हाईएस्ट नजर आई थी और उसी टाइम पर 25.36 की जो पिछले 1 ईयर की टॉप प्राइस ऐड हुई थी। पर अभी इस स्टॉक ने वापस जो दोस्तों गिरावट देखने का जो सामना था, गिरावट का बड़ा सामना हुआ और लगातार कंटिन्यूसली गिरावट देखने को भी नजर आई थी। पर इस चीज में ऑपरेटर्स का भी ट्रैप था, साथ ही साथ कंपनी ASM लिस्ट में कुछ समय के लिए चली गई थी, पर उसके बाद अब वापस देखने को पॉजिटिव नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक का जो परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है वो ऑल ओवर काफी अच्छा इंक्रीज ने होता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी ने दोस्तों जो लास्ट टाइम दोस्तों जो डिविडेंड पे आउट किया है दोस्तों, उसकी जो एक्स डेट जारी की थी वो 21 जून जारी की है। तो अभी के टाइम कहीं ना कहीं दोस्तों जो है लास्ट टाइम 1 पैसे का जो डिविडेंड था वो शेयर होल्डर जो यहाँ पे कंपनी ने पे आउट किया, तो अब जो डिविडेंड था वो काफ़ी अच्छा पे आउट हुआ है। पर साथ ही साथ कंपनी ने दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के लिए, आने वाले समय के लिए, इनकेस फ्यूचर डेटा पर दोस्तों एक ग्रीन सिग्नल हमें दे दिया है कि मार्केट में काफ़ी बढ़िया जो रैली है वो हमें देखने को नजर आएगी, क्योंकि लगातार इस स्टॉक का दोस्तों जो डेटाबेस था वो भी पॉजिटिव नजर आए। पर ऑल ओवर डेटाबेस के साथ साथ कंपनी की अगर यहाँ पे सेल्स पर अगर इंक्रीज डेटा करें तो कंपनी ने दोस्तों इस सेल्स में काफ़ी बढ़िया अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इसी के बदौलत कहीं ना कहीं कंपनी की दूसरे प्रकार जो सेल्स बढ़ी है, लगातार जो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है, तो अभी कंपनी की दोस्तों उड़ान जो प्राइस है वो अभी और ज़्यादा नजर आने वाली है, क्योंकि लगातार दोस्तों कंपनी का जो सेल्स था वो पिछले 2 साल के अंदर देखा जाए तो दोस्तों 3 से 4 गुना हो चुका है। मार्च 2023 के अंदर कंपनी की जो सेल नज़र आ रही थी वो 650 करोड़ की नज़र आ रही थी, अब इसी बीच कंपनी की सेल इंक्रीज हो चुकी है दोस्तों 1288 करोड़ की। अब 1288 करोड़ की कंपनी की सेल जिस प्रकार ग्रोथ कर रही है तो इससे तो दोस्तों यही पता चलता है कि मार्केट में इस स्टॉक की जो वैल्यू है वो अभी और बढ़ने वाली है, डेटाबेस अभी और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि लगातार कंपनी ने परफॉर्मेंस में अपना डेटाबेस इंक्रीज किया है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को उसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। पर दोस्तों इस तेजी के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं दोस्तों नेगेटिव जो थ्रेट्स थे वो भी हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम इस टाइम जो देखने को मिला कि लास्ट रिजल्ट नज़र आया था Q4 का, तो उस रिजल्ट के बाद कंपनी में कुछ जो नेगेटिविटी थी वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। साथ ही साथ जो अभी के टाइम निकल के आई है कुछ नेगेटिविटी, जो खामियाँ निकल के आई है वो देखने को मिली है कि दोस्तों प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो लास्ट रिजल्ट के बाद घट चुकी है, जो 49.82% से घटकर 48.38% ऑलरेडी हो चुकी है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे घट चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों FII के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज की है, 2.23% से बढ़कर 5.02% तक अपनी जो हिस्सेदारी थी वो इंक्रीज की है, ये एक पॉजिटिव अपडेट निकल के आया। साथ ही साथ दोस्तों जो लास्ट रिजल्ट के बाद जो FII के जो इन्वेस्टर थे उनकी संख्या 2 से बढ़कर ऑलरेडी 4 हो चुकी है। पर अभी के टाइम जो संस्थागत निवेशक थे, जो DII के इन्वेस्टर थे, उन्होंने भी अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ा दी है, जो 2.23% से बढ़कर दोस्तों वो भी अभी के टाइम 5.02% ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों ऑल ओवर जो ग्रोथ है वो तो इंक्रीज हो रही है, पर जो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है उसमें गिरावट थोड़ी बहुत नजर आ रही है। तो इस चीज के साथ थोड़ा सा हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ग्रोथ तो काफी बढ़िया दिखा रही है पर कंपनी में कुछ जो नेगेटिव डेटा थे वो भी हमें देखने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी में अभी के टाइम जो कुछ नेगेटिव थ्रेट्स जो निकल रहे आ रहे थे वो भी ये देखने को मिले। तो दोस्तों उसमें अगर हम सबसे पहले खासकर चीज अगर देखा जाए तो कंपनी में जो नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो ये क्या देखने को मिल रहे हैं
वो ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो शेयर की जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो गिरती हुई तेजी से नजर आ रही है, और कंपनी की जो गैर प्रमुख यानी कि जो गैर प्रमुख आय का जो वृद्धि का रुझान है, जो अदर इनकम है कंपनी की, वो इंक्रीज हो रही है। क्योंकि दोस्तों कंपनी के पास दोस्तों काफ़ी अच्छी जो परिणामों का जो रुझान है वो भी नजर आया, कंपनी के एक से बढ़कर एक पॉजिटिविटी नजर आ रही कि कंपनी में जो लास्ट रिजल्ट नजर आया था हाल ही के परिणामों में अच्छी तेजी नजर आई। साथ ही साथ कंपनी का पिछले 2 सालों से कैपिटल जो है काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है, जो और साथ ही साथ कंपनी का ROC में भी सुधार नजर आया है, नेट प्रॉफिट काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कंपनी की शुद्ध लाभ वृद्धि इंक्रीज कर रही है। तो ये डेटाबेस कहीं ना कहीं एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखने को मिल सकता है, पर हमें अलर्ट भी रहने की आवश्यकता रहने वाली है। फिलहाल आपकी नजर में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नजर में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।